खबर पौनी थाना अंतर्गत है, जहां पर एसडीएम कार्यालय में महिला बाबू सुसाइड केस में अहम खुलासा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म सहित आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामले में मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार पोहरी सरकारी क्वार्टर में निवासरत 32 वर्षीय एसडीएम महिला बाबू बीबी जाटव ने बीते 15 दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जहां आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट लिखा, जिसकी विवेचना पोहरी पुलिस ने की है, जिसमें अहम कारण सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक बेबी जाटव के पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति पोहरी में हुई, जहां फेसबुक से आरक्षक जयवीर भार्गव से दोस्ती हुई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। आरक्षक ने बेबी जाटव को शादी करने का झांसा दिया और लगातार उसके साथ संबंध बनाए। धीरे धीरे समय गुजरा और बेबी जाटव ने शादी को कहा, जिसे आरक्षक टालने लगा। एक दिन आरक्षक ने शादी करने से मना कर दिया, जिससे आहत होकर बीबी जाटव ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। वहीं एक दिन एसडीएम ऑफिस में आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे समय रहते इलाज मिलने से बचा लिया गया। हालांकि उस दौरान भी पुलिस को एक नोट मिला, लेकिन कार्रवाई न होने के चलते आरोपी के हौसले बुलंद हो गए और बीबी जाटव टूटती रही। जहां बीते 16 दिन पहले बीबी जाटव ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मन बनाया, फांसी से लटक कर अपनी जान दे दी। एक डायरी और एक मोबाइल में अपना अतीत वो छोड़ गई है। इस बार विवेचना ठीक हुई और आरक्षक जयवीर भार्गव के खिलाफ पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ा है, उसके बाद पुलिस की अभी एक कार्रवाई हुई है। क्या कुछ कार्रवाई हुई है और पूरा घटनाक्रम क्या है? दिनांक 6/10 को लगभग 9 बजे के करीब पुलिस के पास सूचना आई थी कि क्वार्टर नंबर ब्लॉक कॉलोनी के क्वार्टर नंबर 2 में एक एसडीएम लीडर ने फांसी लगा ली है। उस पर से एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय को अवगत करा करके पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी, जहां से उसको फांसी से उसको पड़ोसी चेतना तिवारी द्वारा नीचे उतार लिया गया था और जिसकी उस पर से मरकम कायम किया गया था। उसके घर से जो सुसाइड नोट और फोन मिले थे उनको जब्त कर लिया गया है और पूरी जांच पर से आरोपी जयवीर भार्गव के खिलाफ धारा 306/376 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और आगे जैसी भी कार्रवाई होगी आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी।